मीनू क्या बात है, 3-4 दिन से बहुत परेशान है। कोई बात है यार। तो मुझे बता। परेशान क्या, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, टेंशन में रह जाऊं बस। ओहो, हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं भी जोर मारूंगा। बस चलो मैं मंदिर जाकर आऊं। मंदिर मंदिर हाँ तू यार 3-4 दिन से मंदिर भी जा रही है, क्या बात है? यार, अपने घर वालों की सुख शांति के लिए जा रही कि घर में सुख शांति रहो हमारे। मंदिर फिर भी आते हो जाएगा? क्यों? अच्छा कहाँ जा रहे लेके सर? रोज रोज पिया करें सर, रोज रोज ठीक नहीं होती है पीनी, समझ गए? क्यों पियोगे? आज के बाद नहीं पीनी, कभी कभी पिया करें सर। अच्छा तू बता, हाँ। पार्लर क्यों जा, पहले मुझे बता। चला मैं तो सोने दिखने के लिए जाऊं। अच्छा हाँ। तो मैं भी दारू नहीं पीऊँ तो मुझे अच्छी लगा। कुमकरण खड़ा हो जा, सूरज सिर बाल लिया, वोट लिया थार ते पहले, काम धंधा भी देख ले करो कुछ। अरे चुप हो जा, बकवास ना करा, सूरज पहले सोवा भी तो है मेरे ते। हाँ मम्मी। पकौड़े बनाने, प्याज छीलना। मम्मी और जो मर्जी कह ले, सारा काम कर दूंगा, प्याज ही नहीं छीली जाती मेरे पास। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको छील लूंगी। सुनते नहीं क्या? हाँ इधर आओ, बोल। प्याज छील लिया थोड़ी सी। अरे प्याज तो मैंने कभी अपने घर में नहीं छीली, तू छिलवाओगी? पकौड़े खाने नहीं खाने? मदम क्या देगी तू? खाने तो बना दूंगी, छील दो प्याज, नहीं तो मैं नहीं बना रही। अच्छा छील रहा हूँ। मैडम जी प्लीज, आप पकौड़ी बना दोगे मेरे लिए बैंगन की? ठीक है बना दूंगी, वैसे भी आप है बहुत ही पतले से हो, थोड़ा वैसे खाओगे ना मेरे लिए तो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है बना दो आप। सुनो मैडम जी, पकौड़े बना दो बैंगन के। और कुछ तो काम नहीं है, पकौड़े खा खा कर ना और मोटे हो जाओ। अगर तुम कांटे पे चढ़ गए ना तोलने को, कुआ भी बंद हो जाएगा अपने आप ही, इतने मोटे हो रहे खा खा के। और पकौड़े बनाओ, और कुछ काम नहीं, चले जाओ यहाँ से, कभी अभी खिलाओ।